नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार प्लस में। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। हार पर हाहाकार, जमीन पर फाइव स्टार, ये सब कुछ कहा जा रहा है अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का हश्र हुआ है 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से अब अखिलेश यादव एक्शन में है। पहले चैनल डिबेट्स में पार्टी के प्रवक्ताओं पर जाने पर रोक लगाई गई, उसके बाद खबर अंदर से ये आई सूत्रों के हवाले से कि चारों फ्रंटल के संगठन के वरिष्ठ पदों पर मौजूद व्यक्तियों को हटाया गया। उसके बाद खबर ये सामने आती है कि जो फाइव स्टार होटलों में रणनीति बनती थी पार्टी की तरफ से, जो बड़े नेता थे, जो बड़े पदाधिकारी थे जाते थे, उन्हें सुविधाएं दी जाती थी, वो सब अब बंद कर दी गई है, क्योंकि उन सुविधाओं को देने के बाद भी यदि रिजल्ट ढाक के तीन पात रहे, परिवार के लोग हार जाए, तो फिर चिंता वाजिब है। चिंता क्या फाइव स्टार होटलों की सुविधाएं बंद कर देने से दूर होगी, या फिर हार पर जो हाहाकार समाजवादी पार्टी में मचा हुआ है, एक के बाद एक एक्शन के मोड में और कड़े संदेश के साथ बड़े डिसीजन जो अखिलेश यादव ले रहे हैं, क्या उससे समाजवादी पार्टी में कुछ सुधार होगा? क्योंकि 2014 का परिणाम, जिस समय प्रचंड मोदी लहर थी, उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिलती हैं। उसके बाद 2017 आता है, 2017 में विधानसभा चुनाव होते हैं। अखिलेश यादव इन चुनावों से पहले अपने परिवार में बनी स्थिति से बाहर निकलते हैं, अपनों को दूर करते हैं, कांग्रेस का साथ लेते हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलता, सरकार बनती नहीं दोबारा से, और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी राज्य में बाहर हो जाती है विधानसभा चुनावों में, यानी सरकार नहीं बनती, बीजेपी की सरकार बनकर आती है। उसके बाद और आगे बढ़िए, 2019 नजदीक आता है। 2017 में जहां अपनों को दूर किया गया, तो 2019 चुनाव में परायों को अपना किया गया। मायावती के साथ गठबंधन होता है और चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन परिणाम 2014 वाले ही जैसे होते हैं, 5 सीटें ही तो समय परिणाम भी एक ही आता है 2019 का। तो फिर ये चिंता, ये हार पर हाहाकार और फिर जमीन पर जो फाइव स्टार की स्थिति आ गई है, और वाकई में इस बार अब जमीन पर समाजवाद को लाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, इस पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विनोद कुमार भारती थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता है बीजेपी से, डॉक्टर अल्पना वाजपेयी प्रसपा से ये प्रवक्ता है, ये जुड़ेंगे हमारे साथ, और वर्तमान में प्रमोद गोस्वामी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। प्रमोद जी, समाजवादी पार्टी में ये जो हार पर हाहाकार आप देख रहे होंगे, राजधानी लखनऊ से जो निकलकर खबरें सामने आ रही हैं कि तमाम तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्या इन डिसीजन से समाजवादी पार्टी में कुछ सुधार की आप गुंजाइश महसूस करते हैं, या अखिलेश यादव को वो करना होगा जो अब तक किसी ने सोचा नहीं? देखिए विवेक जी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, और समाजवादी पार्टी जो प्रदेश की बड़ी और प्रमुख पार्टी रही है, उसकी 2019 में जिस ढंग से पराजय हुई है, वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए गंभीर चिंता का विषय है, ठीक वैसे ही जैसे राहुल की अमेठी में पराजय। ये बात सच है विवेक कि इधर मुलायम सिंह जी और अखिलेश में निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि एक तो अखिलेश में अनुभवहीनता की बात रही के जो समाजवादी पार्टी का, जब एक मुलायम सिंह जी जब किनारे हुए और अब वो सक्रिय राजनीति में तो है, मतलब पार्टी में जो उनकी एक सक्रियता थी वो कम होने के बाद अखिलेश के साथ दो तीन चीजें का अभाव रहा कि शायद उसका ये नुकसान हुआ। हालांकि अखिलेश जी उस बात से सहमत नहीं होते थे और वो समझते थे कि नहीं, शायद अब पार्टी को नए और युवा लोगों के जरिए ही ऊपर तक ले जाया जा सकता है, लेकिन कोई भी संगठन और कोई भी परिवार जब तक उसमें अनुभवी लोग नहीं रहते हैं, तो पहली बात तो ये रही, जहां तक मैं समझता हूं कि अनुभवी लोगों को जिनके पास एक बड़ा अनुभव था और पार्टी को वहां तक लाने का था, वो किन कारणों से, ये जो भी रीजंस रहे हों,
वो धीरे धीरे पार्टी से अलग होते चले गए या वो अन्य किसी जगह किसी दल में नहीं भी गए तो कर वो सुप्त अवस्था में आ गए, कर दिए गए या हो गए, जो भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल किनारे आके खड़े हो गए, वो मेन स्ट्रीम में नहीं रहे या वो उनसे ना तो वो सलाह ली गई और ना ही उन्होंने जान के भी कि ये सलाह देनी चाहिए, जब आपको सलाह चाहिए नहीं तो हम सलाह दें क्यों, शायद ये भी एक बात रही, तो इसका भी नुकसान हुआ। दूसरी जो मैं समझता हूं कि ये बात बिल्कुल आपने भी ये बात पॉइंट आउट की और मैं भी इससे समझता हूं कि जो पार्टी के नेताओं का जनता से, मुलायम सिंह जी के समय में जो जनता से सीधा संवाद रहता था, जनता की समस्याओं को वो सुनते थे, उनका जो भी यथा योग्य निस्तारण होता था, तो जनता के और समाजवादी पार्टी के बीच में दूरियां हो गई। इसका देखिए मूल्यांकन सीधा सीधा ये है कि आप लखनऊ में ही ले लीजिए, मोहनलालगंज सीट पर अधिकांश यादवों ने कौशल किशोर को जो भाजपा प्रत्याशी है उनको वोट दिया। आखिर क्या वजह रही कि यादव ही, बाकी पिछड़ा और मुसलमान जो इनका कॉम्बिनेशन रहा है पहले से, उसको अगर आप दरकिनार कर दें या उसको आप अभी टच न करें, तो जो इनका अपना मजबूत जो जातिगत समीकरण था वो पूरी तरीके से दरका। तीसरी बात ये रही कि जो परिवार में जो इनके एक संगठन का, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात अखिलेश जी भी जानते हैं और वो परिस्थितियां जो भी रही, कारण जो भी रहे, लेकिन शिवपाल जी का पार्टी से हटना और पार्टी का विरोध करना, वो भी इस 19 के चुनाव में, भले ही मतलब कोई इसको स्वीकार करे न करे, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे वक्त में उनका भी दूर हटना ये फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन प्रमोद जी ये बातें जो हैं, ये अखिलेश जी भी बहुत बखूबी जानते होंगे कि क्या क्या डिसीजन उन्होंने किए या लेने पड़े, लेकिन अब जो वो कर रहे हैं, क्या ये चुनाव में मिली हार के परिणाम स्वरूप अब नेताओं के ऊपर गुस्सा उतारा जा रहा है, या फिर कहा जाए कि अब नयों को मौका देकर कुछ उम्मीद की जा रही है कि 2022 की लड़ाई अभी से लड़नी शुरू कर दी जाए? नहीं विवेक जी, मतलब ऐसा नहीं है कि जो वो अब उसमें उनको निकाला जा रहा है, मैं नहीं समझता कि उनको निकाला जा रहा है। हाँ, लेकिन जो अभी जैसा कि ये आया है कि फ्रंटल, उनके चारों जो युवा फ्रंटल हैं उनके अध्यक्षों को इसमें, तो स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी पराजय उसमें खाली अखिलेश जी का नहीं, पूरे संगठन की जिम्मेदारी होती है। और इस चुनाव में तो ये सीधा सीधा साफ नजर आया कि किसी भी स्तर पर ये कोई भी कोना इनका मजबूत नहीं रहा, जिसमें इनके पदाधिकारी, ये बात बिल्कुल सही है कि वो खाली लग्जरी गाड़ियों में घूमते रहे और हलो हाय करते रहे, लेकिन जो एक जमीनी जुड़ाव होना चाहिए और वो वहां से कटा, ये खाली डिबेट पर तो बड़ी बड़ी बातें करते रहे, जो आपने भी देखा हमने भी देखा, लेकिन जहां उनको लगना चाहिए था वहां उन्होंने कोई, इससे पहले भी चुनाव में तो चलिए ठीक है कि डिबेट पे आ गए, लेकिन प्रमोद जी आप जो बात कर रहे हो कि ये जो है जमीनी हकीकत से दूर रहे या जमीन से दूर रहे, क्या इसके पीछे वो कारण नहीं है जो आप महसूस करते हैं कि 2017 में परिवार की अंतर्कलह जब खुलकर सामने आई, उसके बाद कांग्रेस का साथ से जो है विधानसभा चुनाव लड़ा गया, 2019 में उस ध्रुव से एकता कर ली गई जो माना जाता था कि उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है, यानी कि बसपा से गठबंधन कर लिया गया, तो कार्यकर्ताओं के अंदर वो जोश, वो उत्साह, वो बनाए रखने के लिए अखिलेश ने कहां काम किया? अखिलेश ने काम किया समाजवादी पार्टी को बरकरार रखने के लिए, कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता आपकी जमीन तैयार करते हैं और कार्यकर्ता ही आपसे नाराज हो गए। बिल्कुल यही बात, मेरा कहने का आशय यही था, इन सारी पीछों के पीछे, सारी बातों के पीछे मेरे कहने का आशय यही है कि अखिलेश जी ने उस समय अपने पार्टी के संगठन, अब जैसे प्रदेश पार्टी अध्यक्ष को उसकी जिम्मेदारी थी, मुझे याद है कि राम शरण दास जी जब अध्यक्ष थे प्रदेश के और मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो वो प्रदेश के मामलों में खाली एक बैठक करके उनसे फीडबैक ले लिया करते थे और वो 2400 घंटे समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठकर पूरे जिलों को खड़खड़ाए रहते थे और उनसे फीडबैक
जी प्रमोद जी, चलिए प्रमोद जी से दोबारा संपर्क करते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से संपर्क टूटा है। तो समाजवादी पार्टी में हार के बाद जो स्थितियां बन रही हैं, एक के बाद एक चारों फ्रंटल के पदाधिकारियों को सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि उनको उनसे उनके पद से हटा दिया गया है, ये युवा फ्रंटल है। दूसरी खबर ये कि फाइव स्टार होटल्स के लिए जो पार्टी सुविधाएं देती थी बड़े पदाधिकारियों को मीटिंग्स को लेकर, रणनीति बनाने को लेकर, वो सब भी खत्म कर दी गई। इधर अपने प्रवक्ताओं पर बैन लगा दिया है, पहले से सब भंग कर दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। तो एक के बाद एक 23 मई को परिणाम सामने आता है। आज 27 मई है, तकरीबन 4 दिन, और इन 4 दिनों में 3 से 4 बड़े फैसले पार्टी को लेकर अखिलेश यादव के। जी हाँ, तो समझना होगा कि ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं अखिलेश यादव के, क्या ये पार्टी को मजबूत करने की दिशा में है या हार के बाद किसी की तो जिम्मेदारी बने इस हार को लेकर, तो वो जिम्मेदारी निभाई जा रही है। असित नाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आउटपुट हेड है। असित जी, समाजवादी पार्टी में जो स्थिति अब बन रही है, ये 2017 से हमने देखा कि किस तरह से परिवार की अंतर्कलह सामने आई, 2019 चुनाव में किस तरह से मायावती के साथ गठबंधन किया, आपको क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं को साधने में क्या अखिलेश यादव पीछे रह गए थे और उसी का ये नतीजा है? देखिए विवेक, अब समाजवादी पार्टी में जो कार्रवाई हो रही है या जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, एक एक फैसले पर आप गौर कीजिए। पहला फैसला है कि फाइव स्टार कल्चर नहीं चलेगा, पार्टी के खर्चे पर नेता फाइव स्टार होटल में नहीं रुकेंगे। आपका मुकाबला किससे था? भारतीय जनता पार्टी से। लोकसभा चुनाव आप किससे हारे? भारतीय जनता पार्टी से। फाइव स्टार कल्चर वाली पॉलिटिकल पार्टी से ही आप हारे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को आप देखिए, मुझे याद है बनारस के तमाम बड़े होटल ही बुक कर लिए गए थे, तमाम बड़े जो स्टार हो, फाइव स्टार, थ्री स्टार, जितने बड़े होटल थे वो बुक थे, और सब में बीजेपी के नेता थे। खुद अमित शाह जाके वहां रुकते थे, तो बड़े बड़े नेता वहां रुके थे। बीजेपी के आप रैलियों की तस्वीर देखिए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बीजेपी की रैलियां की जाती हैं। खुद प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम होता है उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो फाइव स्टार कल्चर का मतलब क्या? अब इसको समाजवादी पार्टी कैसे समझ रही है? समाजवादी पार्टी जाने कि एक फाइव स्टार कल्चर वाली पार्टी से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी कौन सा रुख अख्तियार करती है। लेकिन जो मूल बात है, जो समाजवादी पार्टी खुल के नहीं कह पा रही या कांग्रेस खुल के नहीं कह पा रही है, योजनाएं तमाम सरकारों ने चलाई, अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम योजनाएं चलाई, जमीन पर काम भी दिखा, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से वो किया, जैसे मान लीजिए किसी के घर में एक शौचालय बना, तो इनका पन्ना प्रमुख, इनका लोकल पॉलिटिशियन, ये सब जाके उस परिवार को और अगल बगल को ये समझाने में सफल रहे कि ये मोदी जी ने बनवाया है। लेकिन इससे पहले जो इंदिरा आवास के तहत घर बनते थे, इंदिरा आवास योजना कांग्रेस की चलाई योजना थी, राजीव गांधी की योजना थी, उसके तहत जो घर बने उसमें कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता जिसको घर मिला उसको ये समझाने के लिए नहीं खड़ा था कि ये कांग्रेस की देन है या ये राजीव गांधी की देन है, नरसिम्हा राव बनवा रहे हैं या माफ कीजिएगा मनमोहन सिंह बनवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन स्तर पर बहुत काम करता, कभी नहीं दिखा। उसी तरह से हुआ समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी की सरकार के बारे में लोग कहते हैं कि अखिलेश ने काम किया, लेकिन जिसके लिए भी काम किया उसको ये समझा नहीं पाया कि देखो ये अखिलेश जी ने किया। बीजेपी ने बड़ी चालाकी से काम किया, अगर उज्ज्वला का लाभ किसी को दिया तो उसके घर बीजेपी के कम से कम 20 नेता 20 बार पहुंचे ये समझाने के लिए कि ये मोदी जी ने किया। कार्यकर्ता, ये पन्ना प्रमुख हो या उससे ऊपर के नेता हो, उस परिवार को समझाया, उसके चार पड़ोसियों को भी समझाया कि देखो ये मोदी जी ने किया। तो काम जो किया उसका प्रचार जिस तरीके से बीजेपी ने किया, पहला उस तरह का प्रचार अपनी योजनाओं का कोई नहीं कर पाया, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो या यूपी में अखिलेश की सरकार रही हो। काम सारी सरकारों ने किया है, हर सरकार ने योजनाएं चलाई है, जमीन पर काम करके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है, वरना जिस देश में सुई बनाने का कारखाना नहीं था वो आज खड़ा नहीं होता। मतलब हमारी सरकारों ने काम किया है। ग्राम के गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर दिल्ली के एम्स का ढांचा पिछले 5 सालों में नहीं खड़ा हुआ है, बहुत पहले खड़ा हो चुका है। प्राइमरी स्कूल से लेकर जेएनयू तक का ढांचा पिछले 5 सालों में नहीं खड़ा हुआ है,
लेकिन ये अपनी योजनाओं को अपने कामों को उस तरह से नहीं बता पाए जिस तरह से बीजेपी ने बताया। ये पहली बात। दूसरी बात क्या रही कि एक ऐसे देश का डर दिखाया गया जिस देश की कोई हैसियत नहीं है, जिसे आप 5-6 बार युद्ध हरा चुके हैं, जिसके 1,00,000 सैनिकों का आप समर्पण करवा चुके हैं, जिसके 2 टुकड़े आप कर चुके हैं, उस फिद्दी से पाकिस्तान का डर इतना बड़ा कर दिया गया इस देश में कि हर आदमी को लगा कि ये देश मिट जाएगा। अगर बीजेपी नहीं आई, मोदी जी नहीं आए, तो देश ही मिट जाएगा, पाकिस्तान इस देश को उठा के ले जाके कराची में रखाएगा। तो ये समझाने में लोग सफल रहे, इसकी काट नहीं थी इनके पास। अब अखिलेश कह रहे हैं कि भाई हम 5-स्टार कल्चर खत्म करेंगे, तो कौन सा कल्चर डेवलप करेंगे? समाजवाद तो आपकी पार्टी में है नहीं, समाजवादी कल्चर तो है नहीं, लोहिया की तरह नेता तो और जनेश्वर मिश्रा की तरह तो कोई नेता बचे नहीं है, इवन नेताजी जैसे नेता नहीं बचे हैं। मुलायम सिंह यादव जो गांव गांव गली गली में घूमा करते थे, गांव गांव गली गली जहां सड़कें नहीं होती थी वहां पैदल जाना, बैलगाड़ियों पर सवार होके जाना, ये करने वाला कोई नेता अब नहीं बचा है। तो नेताओं की एक सुपर 5-स्टार कल्चर वाली पार्टी से मुकाबला आप करेंगे कैसे? ये अखिलेश नहीं बता पाए। वो अखिलेश 5-स्टार कल्चर तो खत्म कर गए, तो कौन सा कल्चर डेवलप करेंगे समाजवादी पार्टी में? यहाँ फिर एक विफलता दिख रही है अखिलेश यादव की। तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल ये हार से उपजी एक खीज है, ये जो फैसला अखिलेश यादव ने आज लिया है या समाजवादी पार्टी नेतृत्व ने आज लिया है, दरअसल वो हार से उपजी एक खींच है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। विवेक शुक्रिया आपका सर जी जुड़ने के लिए। हमारे साथ विनोद कुमार भारती भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। विनोद जी, अखिलेश यादव की पार्टी में अखिलेश यादव लिए जा रहे डिसीजन के ऊपर हालांकि बीजेपी की तरफ से सवाल पूछना कुछ उचित नहीं बनता है, लेकिन मैं आपके द्वारा यह समझना चाहता हूं कि आप जीते, अच्छी बात, आपको बधाई शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाई, आपने ऐसा क्या किया और अखिलेश ने ऐसा क्या नहीं किया जिसकी वजह से आपको जीत मिली, उन्हें हार मिली? विनोद जी आवाज मिल रही है? संपर्क करते हैं दोबारा से। तो समाजवादी पार्टी में जिस तरह से अब मंथन हो रहा है और हार के बाद जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो पार्टी का अपना डिसीजन है, लेकिन उस डिसीजन से फायदा कितना होगा, वो निर्णय क्या 5-स्टार होटल्स में होने वाली रणनीतियों को लेकर, नीतियों को लेकर, पदाधिकारियों के खर्चे को लेकर पार्टी के द्वारा जो वहन किए जाते थे वो नहीं करने से पार्टी स्ट्रांग होगी? कार्यकर्ताओं में ये भाव आएगा कि पार्टी को लेकर और ज्यादा जोशीले अंदाज में, उत्साह के साथ काम करना है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है। पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि जो गठबंधन के आसरे बीजेपी को रोकने की दिशा में काम कर रहे थे अखिलेश और मायावती, उस गठबंधन में अखिलेश का नुकसान ज्यादा हुआ है, क्योंकि बसपा का तो खाता ही नहीं खुला था 2014 में। इस बार तो 10 सीटों के साथ, 10 सांसदों के साथ मायावती अखिलेश से आगे हो गई। विनोद कुमार जी से सवाल करते हैं। विनोद जी, सवाल मेरा आपसे था कि बीजेपी ने ऐसा क्या किया और समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या नहीं किया जिसकी वजह से परिणाम ऐसे हुए? ये भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर 2019 तक जितने भी काम इस देश के लिए किया, वो सारे काम इस देश की जनता तक जाके गिनाने का भी काम किया, और हमारे नेता और कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में अपने संगठन के माध्यम से लगे रहे, और जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने चलाई, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे शौचालय रहा हो, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रहा हो, इन सारे जन कल्याणकारी योजनाओं का भारतीय जनता पार्टी को भरपूर लाभ मिला। और मैं समझता हूं कि मोदी जी के चमत्कारी व्यक्तित्व के आगे कहीं कोई नेता नहीं दिख रहा था विकल्प के रूप में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सपा के शासनकाल में
जो दलितों का उत्पीड़न हुआ, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुई, नौकरियों में आरक्षण खत्म किए गए, प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया गया, उसके बाद भी अगर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ये सपा के साथ गठबंधन करती है और वो ये समझती है कि इतने प्रताड़ना के बाद भी दलित वोटर सपा को वोट करेगा, तो ये संभव नहीं था। और इनका जो गठबंधन था बहुत शॉर्ट टाइम का गठबंधन था और जनता भी ये समझ रही थी कि ये गठबंधन। विनोद जी, जी थोड़ा सा इंटरप्रेट कर रहा हूँ, तो क्या दलित वोटर्स ने मायावती को वोट किया था अगर सपा को नहीं किया तो, जहां जहां मायावती के उम्मीदवार थे मैदान में? नहीं देखिए, मायावती को वोट दलित वोट किया है, लेकिन वो दलित वोट भाजपा को भी वोट किया है। विकल्प देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अलावा दलित के पास कोई विकल्प नहीं था। लंबे समय से जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो दलितों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए वो उस स्तर का काम नहीं कर पाई जिसके लिए कांग्रेस, यानी कि दलित वोट जो है और वो गया नहीं उसके पास से अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ, पार्टी की उत्तर प्रदेश में, तो उसने भी ये काम नहीं किया। और बहन जी ने भी अपने शासन काल में 4 बार मुख्यमंत्री रही और वो केवल दलितों को झुंझुना देने का काम किया। लेकिन तो ये लेकिन इस सारी चीजों को ठीक है प्रमोद जी, क्या दलित वोट में इतना फैक्टर रखता था कि यदि किसी को वोट ना करे तो वो हार जाए इतनी बुरी तरह से? नहीं देखिए, दो चीजें, एक चीज तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो अभी विनोद ने कही, उसने एक बड़ा बढ़िया कंपेरिजन किया, उसको जरा समझ कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो भी योजना चलाई वो सारी की सारी योजनाओं की मॉनिटरिंग हुई और कार्यकर्ता और नेता उस पर निगरानी रखते रहे और जनता को जिसके यहाँ जो सुविधा मिली उससे 20 बार जाके पूछा कि देखिए ये मोदी जी ने किया। वही देख लीजिए, वही विधानसभा में, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हर दल स्वीकार करता है कि अखिलेश ने अपने मुख्यमंत्री काल में जितना काम किया उसका श्रेय उनको नहीं मिल पाया और पराजय मिली। मुख्य कारण यही था कि जो कैडर था इनका भारतीय जनता पार्टी का वो पूरी तरीके से सक्रिय था और जो समाजवादी पार्टी का कैडर था, जबकि अखिलेश ने कई योजनाएं मतलब बहुत अच्छी और विशेष रूप से एक दो नहीं कई योजनाएं ऐसी रही, चाहे आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे ले लें, चाहे यहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट ले लें, चाहे स्टेडियम ले लें, चाहे मेट्रो ले लें, बड़ी चीजें की और उसका एक जनता में प्रभाव भी पड़ा। लेकिन इनका जो कैडर था वो बिल्कुल इस उसमें मुगालते में रहा कि नहीं वो तो ये काम जो शुरू कर दिए इससे अपने आप वोट आके झोली में गिर जाएंगे और वोटर बॉक्स में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इनका कार्यकर्ता निष्क्रिय रहा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरीके से सक्रिय नहीं, उससे ज्यादा सक्रिय रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात को मालूम था कि हमारे लिए बड़ी चुनौती है, उन्होंने उस चुनौती का समाधान ढूंढा। सपा और बसपा गठबंधन ने ये जो गठबंधन कर लिया, हालांकि उस समय तात्कालिक अनिवार्यता भी थी, मैं समझता हूँ ये कोई गलत डिसीजन अखिलेश का नहीं था और यह मायावती जी का डिसीजन नहीं था, वो जो उत्तर प्रदेश की जातिगत राजनीति उस लिहाज से वो बेहतर कॉम्बिनेशन था, ये भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस चुनौती को स्वीकार किया और उसकी एक रेमेडी निकाली कि हम इनको कैसे, उन्होंने इनके दलित के और बैकवर्ड के सारे वो जो उसका कारण यही था जो कैडर को लगाया गया कि उनको ये बताया जाए। पहले ये होता था कि कोई भी सरकार योजनाएं देती थी वो प्रधान क्रेडिट ले लिया करता था, ये देखिए प्रधान साहब ने लगवा दिया, वो किसी भी दल का हो सकता है, तो वो क्रेडिट प्रधान को चला जाता था। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने बड़ी अचूक नीति बनाई कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि नहीं आप वहां जाएंगे जहां योजना गई है, वहां एक बार नहीं बारंबार जाएंगे और वहां जाके ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये प्रधान की देन नहीं है, ये मोदी जी ने दी है। तो वो जो मोदी मोदी का जो नारा लगा और जो मोदी मोदी करके लोग निकल आए और मोदी मोदी करके जो वोट दे दिया, उसका ये सबसे बड़ा कारण उनका कैडर का मजबूत होना और कैडर की सक्रियता थी। बिल्कुल, ये उसका असर था। विनोद जी, एक आखिरी कमेंट आपसे कि जिस तरह से जीत हुई उस जीत के बाद जिम्मेदारियां भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और इधर
अखिलेश यादव 2022 की तैयारी में अभी से जुट गए हैं, तो 2022 के लिए स्पेशल क्या रहेगा बीजेपी की तरफ से? देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रूप से काम करते रहे हैं, और हमें जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया है तो हम इस मुगालपे में नहीं रहेंगे कि बस हमारा काम हो गया। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव नजदीक रहे, चुनाव फिर 5 साल बाद चुनाव में जाना हो इस बात का मतलब नहीं है। हम जनता के सुख दुख को संसद तक और विधानसभा तक पहुंचाने के लिए हैं, तो हमारा चुना गया प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से करिए, क्योंकि जिम्मेदारी जब बड़ी दी जाती है तो जिम्मेदारियां को निभाना भी पड़ता है, और कार्यकर्ता भी शीर्ष नेतृत्व तक वहां उस जनता ठीक है वो करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, समय समाप्त हो गया है। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रमोद गोस्वामी जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो बहरहाल अब पार्टी में यदि हार का सामना करना पड़ा पार्टी को तो निर्णय अब लेंगे, लेकिन क्या वो जो निर्णय होंगे वो पार्टी को ऊपर बढ़ाएंगे ये परिणाम बताएंगे, आगे आने वाली स्थिति बताएगी। बड़ी बहस में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।